हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? अभी हो रहे हैं 10:30। खाना पीना मेरा बन गया है, मैं भी नहा ली हूँ, बच्चे भी नहा लिए हैं और मम्मी पढ़ रही हैं रामायण। मेरे कपड़े धुल रहे हैं, हालांकि मैंने कल ही कपड़े धोए थे पर आज मुझे जाना है तो इसलिए मुझे कुछ काम है जो ख़त्म करके जाने हैं। और अभी मेरा कुछ सामान पैक करने को रह गया है। जैसे वैसे बैग तो मैंने लगा लिया था कल को ही। जैसे हैंड बैग में कुछ डालना होता है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैनिटाइज़र लेके जाना। और आज मैं मास्क नहीं भूलूंगी। उस दिन पता है हम लोग मार्केट गए थे, आप लोगों ने बहुत टोका था कि आप मास्क नहीं लगा के। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे इतना वो नहीं है, हमारे आसपास तो कोई अभी ऐसा पेशेंट नहीं मिला जो हमें काफ़ी ऐसे डर के रहना पड़े। तो हमारे यहाँ कोई गांव में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा है कोई मास्क, कस्बे में तब भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी, हमें एक तो ध्यान नहीं रहा, वैसे भी नीचे हमेशा मास्क लगा के जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, पर हमें ध्यान ही नहीं रहा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा था उस दिन। और मुझे देख के फिर नीचे भी लगाना भूल गए, तो ये था। तो जल्दी जल्दी मैं भी, अभी मुझे खाना खाना, खाने में मैंने बनाया है, क्या बनाया, तोरी बनाई है। मेरी चीज जा चुके हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने तोरी बना ली। काफ़ी दिन से हमारे यहाँ लौकी तोरी नहीं बने हैं, तो विनीत जी उसने तोरी लेके आया था। और मुझे नेल पेंट भी लगाना है, हालांकि मैंने ये परसों लगाया था। पिंक कलर का थोड़ा लग तो अच्छा रहा है। आपके लिए कैसा लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है, हो सकता मैं शायद इसी के ऊपर एक और कोट लगा लूँ। मैं पता है वो घिसना घसना मुझे बहुत बेकार लगता है, टाइम वेस्ट होता है यार। मेरे पास है ना टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी शॉर्टेज रहती है। तो अभी मैं लगा लूँ बर्तन किचन में, क्योंकि मुझे बस मेरा किचन का काम यही है। पीछे से ना सनलाइट आ रही होगी, मैंने ना ये वाली विंडो खोल दी है। पहले यहाँ पे मैंने पॉलिथीन लगा रखी थी, जैसे आंधी हवा आती थी ना तो डस्ट आती थी इधर से, तो अभी मैंने ना ये खोल दी है तो इससे थोड़ी ज़्यादा सनलाइट आती है, तो इसलिए मैं ऐसे खड़ी थोड़ा। तो मेरा बस ये लास्ट काम है किचन का, मुझे बर्तन लगाने हैं। यहाँ मेरे धुल रहे कपड़े, और आज मैंने काफ़ी कपड़े धोए थे क्योंकि मुझे जाना है जैसे आपको पता है, और ये कुछ ड्रायर में डाल दिए हैं। और ये तनु और कुकु खा रहे हैं मैंगो। तनु बहुत चालाक है, ये कभी जब भी प्लेट में कुछ खाता है तो प्लेट को अपनी तरफ खिसकाता रहता है, उसे खाने ही नहीं देता। और इधर मम्मी जी पढ़ रही है रामायण, ये देखिए, ये डेली रामायण पढ़ती हैं, जितना पढ़ा जाए, क्योंकि अकेले बैठे मन नहीं लगता तो नहा धो के रामायण पढ़ने बैठ जाती हैं अपने। और ये मैं कर रही हूँ रीची के कपड़ों पे आयरन।
हम सब हो गए हैं रेडी। मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रही जैसा कि आपको बताया। फाइनली आज मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी और मैं घर जा रही हूँ। मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आज अपने घर जा रही हूँ बहुत दिनों बाद। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तनु और कुकू जा चुके हैं, अब नीचे गाड़ी निकाल रहे हैं, मम्मी बाहर वेट कर रही है मेरा। तो मैं इस पॉली बैग में थोड़ा तनु और कुकू के स्लीपर्स रखूँगी डेली वाले, तो इसलिए मैंने ये अलग से निकाला है बैग, वो ले गए थे। तो चलिए चलते हैं ससुराल से लेके मायके तक का सफ़र, आप देखिएगा कैसा रहा रास्ते में, और फिर मैं आपको घर पे मिलूंगी। तो तब तक के लिए छोटा वाला बाय। Thank you.
मैं अपने घर आ चुकी हूँ और आपने देखा ससुराल से लेके मायके तक का सफ़र। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो सबका इंट्रो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मम्मी से। ये मेरी दीदी की बेटी है जो इतने बर्तन खटका रही है कि सबको पता पड़ रहा है कि किचन में काम कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी फैमिली के साथ, अपनी दीदी दीदी के बच्चों और मम्मी के साथ सबको मिलवाऊंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए